एक म्यूजिक वीडियो कैसे पड़ा इस एक्ट्रेस पर भारी, क्यों हुई 12 साल की रीवा ट्रोल, क्या है मीका सिंह और करण कुंद्रा का इससे कनेक्शन। तो आजकल एक पॉपुलर चाइल्ड एक्ट्रेस और सोशल मीडिया सेंसेशन रीवा अरोड़ा काफी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी में बनी हुई है। 12 साल की रीवा उरी द सर्जिकल स्ट्राइक से डेब्यू करने वाली एक्ट्रेस अब अपने किसी प्रोजेक्ट या गाने को लेकर नहीं बल्कि अपनी एज और अपनी चॉइसेस को लेकर खबरों में आई हुई है। इनफैक्ट वो अपनी एज से बड़े स्टार्स के साथ ऑन स्क्रीन रोमांस करने की वजह से आजकल खूब सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रही है। तो रीवा को 38 इयर्स के करण कुंद्रा के साथ रोमांस करते हुए वीडियो को लेकर काफी ट्रोल किया जा रहा था और अब उनका पंजाबी सिंगर मीका सिंह के साथ भी एक वीडियो काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल, जिसकी वजह से उन्हें फिर से ट्रोल किया जा रहा है। जहां रीवा को तो ट्रोल किया ही जा रहा है, लेकिन अब उनसे ज्यादा निशाने पर आ गए हैं एक्ट्रेस के पेरेंट्स, जो 12 साल की रीवा का अकाउंट भी मैनेज करते हैं और उनके सारे के सारे प्रोजेक्ट्स भी हैंडल करते हैं। कोई कह रहा है कि किस तरह से रीवा अरोड़ा की मदर उसे एक्सप्लॉइट कर रही है, उसकी मदर ही है जो उसे इस तरह से कपड़े पहनने दे रही है और 40 साल के सिंगर्स के साथ डांस करा रही है। तो किसी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि इस तरह के पेरेंट्स को साइकोलॉजिकल बीमारी हो गई है, ये एक्ट्रेस अब 12 साल की नहीं लगती है और इसका बचपन भी छीन लिया गया है। वहीं इसी तरह के और भी ट्वीट्स में देखा गया है कि किस तरह से रीवा और उनके पेरेंट्स को लोग ट्रोल कर रहे हैं। क्लियरली किसी को भी रीवा का मीका सिंह या फिर करण कुंद्रा के साथ का कोलैबोरेशन पसंद नहीं आया है और सबसे ज्यादा गुस्सा उन्हें इसी बात का आ रहा है कि कैसे इस छोटी सी एक्ट्रेस ने इतने बड़े एज के एक्टर्स के साथ रोमांस किया है। तो इंस्टाग्राम अकाउंट रीवा का उनकी मदर हैंडल करती है और इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट भी शेयर किया गया है जिसमें रीवा काफी हॉट लग रही है और वो मिरर सेल्फी ले रही है। इसके कैप्शन में लिखा गया है, जेलेसी इज द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट यू कैन रिसीव, जिसका मतलब है कि जलना सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट है जो आप किसी से भी रिसीव कर सकते हो। अब इससे तो सबको यही लग रहा है कि ये कैप्शन उन्होंने सिर्फ और सिर्फ उन ट्रोलर्स के लिए डाला है जो रीवा को आजकल जमकर सोशल मीडिया पर ट्रोल कर रहे हैं। बाकी सोशल मीडिया यूजर्स का तो यही मानना है कि रीवा को इस तरह के बड़े एक्टर्स के साथ या फिर बड़े एज के एक्टर्स के साथ काम नहीं करना चाहिए। वहीं कई लोगों का तो ऐसा भी कहना है कि अगर मीका सिंह की कोई बेटी होती तो वो एग्जैक्टली रीवा की उम्र की ही होती। 12 साल की बच्ची के साथ रोमांस करना लोगों को काफी गलत लग रहा है। देखिए, अब चाइल्ड एक्ट्रेसेस के लिए इस तरह से बड़ी एज के एक्टर्स के साथ काम करना या उनके साथ ऑन स्क्रीन पर रोमांस करना सही है या नहीं, इस पर तो फिलहाल हम कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि ये अल्टीमेटली उनके और उनके पेरेंट्स की मर्जी है और उन्हीं की चॉइस है। बाकी इसी के साथ साथ मैं आपको ये जरूर बता देती हूँ कि उरी द सर्जिकल स्ट्राइक से बॉलीवुड में डेब्यू किया था रीवा अरोड़ा ने और इस फिल्म में रीवा का एक रोता हुआ सीन था जिसे लोगों ने काफी पसंद किया था और वो उसी के बाद रातों रात काफी फेमस भी हो गई थी। इसके अलावा रीवा फिल्म इंडस्ट्री का अब काफी फेमस नाम बन चुकी है, जिन्होंने श्रीदेवी की क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्म मॉम में भी काम किया, जानवी कपूर की फिल्म गुंजन सक्सेना में भी, वेब सीरीज बंदिश बैंडिट्स में भी और अभी रिसेंटली रिलीज हुए ट्रिपलिंग के थर्ड सीजन में भी वो एक्टर कुमुद मिश्रा के साथ में नजर आई। और इन फिल्म्स के साथ साथ रीवा अरोड़ा काफी सारी म्यूजिक वीडियोस में भी आए दिन नजर आती रहती है। लेकिन अब इस पूरी ट्रोलिंग कंट्रोवर्सी के ऊपर आपका क्या सोचना है, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी मैं तो नाक्षी कालरा जल्द ही मिलूंगी आपसे किसी और अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए ऐसे ही देखते रहिए एंटरटेनमेंट लाइव। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करना और सबके साथ शेयर भी जरूर करना।